हाँ, हम चांदनी पांडे से प्यार करते हैं और हमने एक साथ जीवन बिताने का फैसला भी किया है, तो इसमें गलत क्या है? माँ, तुम्हारे माँ बाप और भाई को कुछ स्वर्णों ने मार दिया तो इसमें चांदनी का क्या कसूर है? उससे क्यों नफरत करती हो तुम? चूंकि कुछ स्वर्णों ने हमारे पुरखों परिवारों पर जुल्म किया, इसलिए हम भी उनके साथ जानवरों वाला व्यवहार करें? यह तो कोई सही बात नहीं है माँ। और अगर आपको बदला ही लेना था तो फिर आपने मुझे पढ़ाया क्यों? गुंडा बनाना चाहिए था ना? माँ, शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का ही जरिया नहीं है। अरे, ये इंसान को अंधेरे से उजाले की ओर भी ले जाती है। और अंधेरा उजाला तो किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं होते। बाबा साहेब के साथ भी लोगों ने बहुत जुल्म किया, नफरत की, भेदभाव किया, लेकिन उन्हीं में से एक स्वर्ण ने उन्हें पढ़ा लिखा के स्कॉलरशिप भी दी, विदेश भेजा, और भीमराव अंबेडकर भीमा से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बन गए। और बाबा साहेब ने कोई बदला लेने के लिए नफरत का रास्ता नहीं चुना, बल्कि उन्होंने तो शिक्षा और ज्ञान का एक ऐसा दीप जलाया जिसके उजाले में आज पूरा का पूरा भारतवर्ष अपनी अपनी मंजिलें तलाश रहा है। माँ, चांदनी मेरी जीवन संगिनी है। उसने ये बात जानने के बाद भी कि मैं एक शेड्यूल कास्ट लड़का हूं, उसने मुझसे नफरत नहीं की, बल्कि मुझे अपना पति माना, मेरे साथ जीवन गुजारने का फैसला किया, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या प्रेम की भी कोई जाति हो सकती है माँ?